आज की कड़ी में हम अपने थर्ड चक्रा यानी मणिपुर चक्रा के बारे में जानेंगे। हम सभी के पास एक इनबिल्ट एनर्जी बैटरी है जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को शक्ति प्रदान करती है और पर्सनल पावर को चार्ज करती है। इसे मणिपुर चक्र कहते हैं और नेवल चक्रा भी कहते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम का स्रोत है। ये आपको क्लियर बाउंड्रीज निर्धारित करने, कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग विल से अपने गोल्स को पाने और अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखने की अनुमति देता है। ये येलो कलर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है जो 18 माह से 4 वर्ष तक विकसित होता है। इसका बेसिक राइट है टू एक्ट एंड टू बी एन इंडिविजुअल। मणिपुर को सोलर प्लेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर की ऊर्जा का पावर हाउस है। हिंदू और यौगिक परंपराओं में मणिपुर संस्कृत शब्द का अर्थ है रत्नों का शहर या चमकदार रत्न, क्योंकि ये चक्र प्रीशियस है, वैल्यूएबल है और डिवाइन है। इसीलिए यह चक्र आपकी पर्सनल पावर का स्थान है, पर इसका डीमन शेम यानी की शर्म है। ये चक्र हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और आइडेंटिटी का स्थान है, जहाँ पर हम अपने इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करते हैं और उसको एप्रिशिएट करते हैं। ये हमारे स्वयं को और अपनी क्षमताओं को देखने के तरीके को निर्धारित करता है। एक बैलेंस्ड मणिपुर आत्मविश्वास, सेल्फ लव और खुद को खुश रखने की हमारी क्षमता में विश्वास जगाता है। जिस समय यह चक्र विकसित होता है, हम सीखते हैं कि हम अपने केयर टेकर, अपने पेरेंट्स से अलग हैं। हम एक इंडिविजुअल हैं। ये तब होता है जब हमारी पर्सनालिटी उभरने लगती है और हम सीखते हैं कि अपने इमोशंस और अपने व्यक्तिगत रुचियों को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। ये चक्र का डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे एक्सप्रेशंस का पोषण परिवार द्वारा कैसे किया गया है। जब हमें सिखाया जाता है कि हमारी रुचियां किसी तरह से गलत है, तो हम अपने चूज करने की क्षमता पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम इस बारे में अनिश्चित हैं कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए, हमें क्या पसंद करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इससे हमारी खुद पर विश्वास करने की क्षमता कम हो जाती है और पावर ऑफ एक्शन कमजोर हो जाता है। हम सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते, रिस्क लेने से बच सकते हैं और दूसरों की खुशियों में ही अच्छा फील करते हैं, यानी पीपल प्लीजर बन जाते हैं। ये चक्रा स्वयं के और अपनी क्षमताओं के बारे में महसूस करने के तरीके को शेप देता है। ये वो स्थान है जहाँ पर हम अपनी इंडिविजुअली को स्वीकार करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारी पर्सनल पावर या खुद को खुश रखने और अपने लिए सही निर्णय लेने में हमारे विश्वास को बढ़ावा देता है। ये चक्र 4 साल तक विकसित होता है और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे उभरते आत्मविश्वास का पोषण कैसे हुआ। इस उम्र के बच्चों को डेंजर महसूस नहीं होता, इसीलिए वे अक्सर सोचते हैं कि वे वो काम कर सकते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, या फिर अपने उम्र से बड़े लोगों के समान कुछ कार्य करने की कोशिश करना चाहते हैं। क्या हमें प्रोत्साहित किया गया, हमें बताया गया कि हम सक्षम हैं और हम जो भी ठान ले वो कर सकते हैं। बच्चे का यह समय एक्साइटिंग और लिबरेटिंग रियलाइजेशन का होता है और यही कारण है कि इस स्तर पर बच्चे इरेशनल होने पर भी अपने विल का प्रयोग करते हैं। इस समय पेरेंट्स को धैर्य रखते हुए उन्हें इम्पल्स कंट्रोल और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सिखाना चाहिए। अधिकांश माता पिता इस क्षेत्र में परफेक्ट नहीं है, इसीलिए अधिकांश लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस होता है। कैसे जाने कि ये चक्र ब्लॉक्ड है या नहीं? तो ये इम्बैलेंस आमतौर पर सेल्फ स्टीम के रूप में आता है, क्योंकि आइडेंटिटी ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हुई है। दो तरीकों में से एक तरह से एक्सप्रेस होगी, या तो लो सेल्फ स्टीम वाला व्यक्ति बनेगा जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेगा और अपने जजमेंट और करेक्टर पर सवाल खड़ा करेगा, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति है। ये दूसरा उस प्रकार का व्यक्ति है जो अपने सेल्फ स्टीम कमी की भरपाई अहंकार से करता है और अपने बारे में भव्य धारणा रखता है, यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखता है। जब इस
चक्र में ऊर्जा कम हो जाती है तो वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता है, रिस्क लेने से आनाकानी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, लो एनर्जी होती है, कमजोर इच्छा शक्ति होती है, आसानी से मैनिपुलेटेड हो जाता है, उसका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही पुअर रहता है, सेल्फ स्टीम भी बहुत ही कम रहता है, पुअर डाइजेशन, विक्टिम मेंटालिटी, पैसिव, अनरिलायबल और उसके भीतर छुपा हुआ भीतरी क्रोध रहता है, यानी पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर रखता है। एग्जांपल के तौर पे यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम से कहीं ले जाना चाहता है तो उस जगह जाने के लिए वाइफ मना तो नहीं करेगी, नो नहीं कह सकती, पर अपने छुपे हुए क्रोध को किस तरीके से दिखाएगी कि वो जानबूझकर देरी से तैयार होगी ताकि उसके हस्बैंड इरिटेट हों। जब इस ऊर्जा में एक्सेसिव एनर्जी होती है तो व्यक्ति बॉसीनेस में रहता है, डोमिनेटिंग रहता है, कंट्रोलिंग रहता है, बहुत ज्यादा क्रोध रहता है और हमेशा उसे लगता है कि मैं ही सही हूँ और मैंने जो कह दिया वही लास्ट वर्ड है। वो मैनिपुलेटिव होता है। देखिए, जब एनर्जी कम होती है तो इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, पर जब इस चक्र में एनर्जी ज्यादा होती है तो वो व्यक्ति स्वयं मैनिपुलेटिव होता है, अधिक एनर्जी वाला, पावर का भूखा होता है, धोखेबाज होता है, वायलेंट बिहेवियर रहता है, जिद्दी, महत्वाकांक्षी, कॉम्पिटिटिव और अहंकारी होता है, हाइपर एक्टिव रहता है। कई एथलीट्स, वेट लिफ्टर्स या कई कंपनी के सीईओ जो दिन रात काम करते हैं वो हाइपर एक्टिव रहते हैं क्योंकि इस चक्रा में उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब चक्रा बैलेंस रहता है तो व्यक्ति सेल्फ एम्पावर रहता है, ऑटोनॉमी रहता है और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कोई भी निर्णय लेने में उसे परेशानी नहीं होती, वे अपने भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी लेते हैं, हेल्दी सेल्फ स्टीम रहती है और वो कभी भी किसी के ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश नहीं करता, कॉन्फिडेंट रहता है, रिलायबल रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, प्लेफुलनेस उसकी जिंदगी रहती है, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, वो प्रोएक्टिव रहता है अर्थात सक्रियता, अपने कार्यों को चुनने और उनको नियंत्रित करने में वो सक्षम होता है, अहंकार स्वयं के सीईओ के रूप में काम करता है, ये पता लगाता है कि किन इंपल्सेस को व्यक्त करना है या दबाना है और हमारी ऊर्जा को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। ईगो बुरा नहीं है, ये एक वल्नरेबल कोर सेल्फ की रक्षा के लिए सुरक्षा बनाता है और जैसे जैसे ये बढ़ता है और विकसित होता है हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति और अपने व्यवहारों को विकसित करना शुरू कर देते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि ईगो हमारी चेतना को आत्म परिभाषा की ओर व्यवस्थित करता है। इस चक्र से संबंधित बीमारियां हैं ईटिंग डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अल्सर्स, हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों संबंधी विकार, क्रॉनिक फटीग, हाइपरटेंशन, स्टमक से संबंधित डिसऑर्डर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लिवर संबंधित समस्याएं। कारण बहुत सारे हैं जो अक्सर हमारे बचपन में ही निर्धारित होते हैं। अथॉरिटी, तानाशाही, बच्चों के रूप में हम अपने माता पिता, अपने केयर टेकर्स, बड़े भाई बहनों, टीचर्स के तानाशाही के साथ संघर्ष करते हैं। जब तक हम कॉन्शियसली अपनी अथॉरिटी का निर्माण नहीं करते तब तक यह उन लोगों के व्यवहार से निर्मित होता है जो हम पर अधिकार रखते हैं। यदि हमारे माता पिता अत्याचारी थे तो हमारी इनर अथॉरिटी या तो अत्याचारी होगी या इसके विपरीत पूर्ण रूप से कमजोर होगी। यदि हमारे माता पिता आलोचना और शेम के माध्यम से नियंत्रित करते हैं तो उनकी ये लेबल्स हमारे दिमाग में अंकित हो जाते हैं और हमारे मन में बार बार दोहराई जाती हैं, जैसे कि तुम लायक नहीं हो, तुम इसे नहीं कर पाओगे, तुम किसी काम के लिए ही नहीं हो। यदि माता पिता धोखेबाज हैं तो हम मैनिपुलेशन करने में माहिर हो जाते हैं। पेरेंटिफाइड चाइल्ड, कभी कभी बच्चा घर में दुर्व्यवहार, गरीबी, बीमारी, मृत्यु, तलाक जैसी कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के कारण बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है। जब किसी बच्चे को घर की बहुत सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो करता तो है पर वो बड़े के समान नहीं कर सकता, इसीलिए कभी कुछ कमी हो जाने पर उसके सिबलिंग या कोई बड़े लोग उसको जब डांटते हैं तो उसे ये भावना घेर लेती है कि वो अपर्याप्त है, वो लायक नहीं है और उसके में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है।
सकता है। शेमिंग, जैसे कि शेम इसका डीमन है, तो जितना ज्यादा शर्मिंदगी बच्चा महसूस करता है उतना ही कम वो पावरफुल महसूस करता है और उसके ईगो का निर्माण मुश्किल से हो सकता है। इस उम्र में बच्चा भाषा सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, इसीलिए कभी कभी कुछ गलती हो जाने पर माता पिता के द्वारा उसका उपहास या उसको डांट भी दिया जाता है। कई बार पेरेंट्स बच्चों को लेबल लगा देते हैं, अगली, स्टुपिड, क्रेजी, और कई बार दूसरे बच्चों के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता है। तो जब भी बच्चे की निंदा की जाती है, उसका उपहास किया जाता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, चाहे वो घर में हो चाहे स्कूल में हो, तब उस बच्चे का ईगो हर्ट हो जाता है। पेरेंट्स के गुस्से और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन का भी इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। निग्लेक्ट, माता पिता सोशल मीडिया और जॉब के कारण कई बार बच्चों को पर्याप्त समय नहीं देते, इसके कारण भी बच्चे का ये चक्र डैमेज होता है। जब इस चक्र में ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो बच्चा रिबेलियस हो जाता है, और जब ऊर्जा कम रहती है तो वो पीपल प्लीजर बन जाता है। पनिशमेंट, अक्सर माता पिता बच्चे को अनुशासन में रखते हैं और जरा सी भी गलती करने पर उन्हें दंड दिया जाता है। तो किसी भी प्रकार का दंड हो, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो, ये उसके ईगो को हर्ट करता है और उसकी सेल्फ एस्टीम को कम करता है। सेक्सुअल अब्यूज, यूं तो ये सभी चक्र को डैमेज करते हैं और मणिपुर चक्रा भी डैमेज होता है। उस व्यक्ति के ईगो को चोट लगती है, वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। हीलिंग, जब ऊर्जा बहुत ज्यादा हो उस समय व्यक्ति को आराम करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए और लेट गो करना चाहिए। मेडिटेशन भी उसको काफी मदद कर सकता है। जब ऊर्जा की कमी हो तो उस व्यक्ति को कम चीनी, कम वसा यानी कि लो इन फैट वाला भोजन लेना चाहिए, हाइक कार्बोहाइड्रेट और पर्याप्त प्रोटीन और सब्जियां खाना चाहिए ताकि अग्नि को शुद्ध रूप से जलने में मदद मिल सके। नियमित अंतराल पर भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फिट रहकर अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करके अपने विल पावर को मजबूत करना चाहिए। साइकोलॉजिकल हीलिंग, अपने व्यक्तिगत शक्ति को पहचानना और अपनाना, इसका मतलब है कि अपनी एबिलिटीज और लिमिटेशंस दोनों को स्पष्ट रूप से देखना और अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, तो अपने एबिलिटीज के आधार पर हम अपने कार्यों को चुनकर अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। आत्मसम्मान को पैदा करना, ये एक हेल्दी सेल्फ इमेज और अनकंडीशनल सेल्फ वर्थ विकसित करने के बारे में है जो दूसरों के अप्रूवल पर निर्भर नहीं होगा। हेल्दी बाउंड्रीज निर्धारित करना, इसका तात्पर्य है कि अपनी बाउंड्रीज को जानना और उन्हें दूसरों को दृढ़ता पूर्वक बताना, साथ ही दूसरों की बाउंड्रीज का भी सम्मान करना। जीवन का पर्पस कल्टीवेट करना, एक क्लियर लाइफ विजन और मिशन रखना और उन्हें साकार करने के लिए एक्शन करने से आपको अपनी लाइफ में एक मीनिंग मिलती है। अपनी गट फीलिंग को सुनना, तीसरा चक्र हमारी आंख से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग्स की भावनाओं को सुनने से हमको निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। स्पिरिचुअल हीलिंग, अपने भीतर की इनर फायर तक पहुंचना, इसमें हमारे जीवन और दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए पैशन, ड्राइव या इंस्पिरेशन का प्रयोग करना शामिल है। किसी हायर पावर से जुड़ना, जब आप प्रार्थना या मेडिटेशन करते हैं तो इसके माध्यम से आप यूनिवर्सल विजडम तक पहुंच सकते हैं और अपने डिवाइन पर्पस से जुड़ सकते हैं। अपने पर्सनल पावर को गिफ्ट के रूप में देखना और इसे अपने पर्सनल वैल्यू के आधार पर उपयोग करना। ग्रेटिट्यूड की भावना पैदा करना, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स पर ध्यान केंद्रित करके और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके आप अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ सकते हैं और इनर स्ट्रेंथ की भावना तक पहुंच सकते हैं। एफर्मेशन के द्वारा भी आप इसको बैलेंस करने में मदद ले सकते हैं। आई डीपली एंड कम्प्लीटली ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम काम, पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट। I am ready to pursue my purpose with confidence. I forgive myself for past mistakes. I let go of any control and trust my inner guidance. योगासन के द्वारा भी आप इस चक्र को बैलेंस करने में सहायता ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने पावर हाउस मणिपुर चक्र के बारे में जाना और अगली कड़ी में हम अपने फोर्थ चक्र अनाहत चक्र के बारे में जानेंगे। थैंक यू।